आज है 28 फरवरी शाम के 7:30 और अभी चलते हैं वर्कआउट करने। मैच भी स्टार्ट हो गया WPL का, मुंबई इंडियंस वर्सेस यूपी वॉरियर्स। पहले मुंबई बैटिंग कर रही है। साढ़े सात हो गए, अभी 1 घंटे वर्कआउट करेंगे, फिर डिनर करेंगे, WPL देखेंगे। आज BCCI ने अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस कर दिए। A+ कॉन्ट्रैक्ट में रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा। फिर सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट आता है ए वाला, जिसके अंदर है KL राहुल, मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज, रवि अश्विन, शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या। फिर बी कैटेगरी है, सूर्य कुमार यादव, कुलदीप यादव, पटेल, कुलदीप वो अक्षर पटेल, ऋषभ पंत और भी हैं 2-3। और फिर सी कैटेगरी है, पर सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि ना ईशान किशन का नाम है और ना श्रेयस अय्यर का नाम है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि श्रेयस अय्यर का नाम इसलिए नहीं है क्योंकि जब वर्ल्ड कप के अंदर फाइनल के अंदर इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हार गया था तो PM मोदी ड्रेसिंग रूम के अंदर गए थे, वहां के सबके साथ हाथ वाथ मिला रहे थे, फोटो सेशन हो रहा था, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था, तो उस वीडियो के अंदर श्रेयस अय्यर ऐसे थोड़ा सा एटीट्यूड दिखा रहा था। तो लोग बोल रहे हैं इस वजह से उसका कॉन्ट्रैक्ट चला गया। ऐसा होता नहीं है, रियल रीजन ये है कि उसने रणजी नहीं खेला ऑफ सीजन के अंदर। अगर तुम टेस्ट टीम के अंदर नहीं हो तो रणजी खेलना चाहिए था उसको, क्योंकि जो सिलेक्शन बेसिस हुआ है कॉन्ट्रैक्ट का वो टेस्ट टीम के बेसिस पे हुआ है। इसीलिए रविंद्र जडेजा A+ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, रवि अश्विन A कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, अय्यर और ईशान किशन दोनों ने रणजी नहीं खेली इसलिए उनको कॉन्ट्रैक्ट से बाहर करा। पर इसका काउंटर व्यू ये है कि हार्दिक पांड्या भी 6 महीने से इंजर्ड है, रणजी ट्रॉफी तो वो भी नहीं खेल रहा लेकिन फिर भी उसको A कॉन्ट्रैक्ट मिला है। पॉपुलर स्पोर्ट्स होने का यही है कि हर आदमी के पास ओपिनियन है, कोई जानता भी नहीं होगा फुटबॉल टीम में कौन सेलेक्ट होता है कौन नहीं होता, 11 प्लेयर्स के नाम भी नहीं पता होंगे। यहाँ पर तो जो सेलेक्ट हो गए उसके सिलेक्शन के ऊपर इतनी बड़ी डिबेट स्टार्ट हो जाती है। श्रेयस अय्यर और ईशान किशन के एपिसोड से ये पता चलता है नोबडी इज इररिप्लेसेबल। एक टाइम पे श्रेयस अय्यर को नेक्स्ट कैप्टन के रूप में देख रहे थे लोग, सर्टन नंबर 4 इन ODIs, और ईशान किशन तो हो ही गया था कि नेक्स्ट ओपनर ईशान किशन होगा, लेकिन फिर यशस्वी जायसवाल आता है, शुभमन गिल आता है। ये स्पॉट तो बुक हो गया, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल स्पेशली फॉर टेस्ट, कंसिडरिंग रोहित शर्मा एंड विराट कोहली वोंट बी देयर फॉर नेक्स्ट अगले 3-4 साल के अंदर। रोहित तो हो सकता है 2 साल में भी रिटायर हो जाए, 2 साल बड़ा भी तो है विराट कोहली से। फर्स्ट मार्च से अभी रेगुलर वर्कआउट, डाइट कंट्रोल, स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेशन। थक गए यार आज। मतलब जाके थोड़ी देर वुमेन्स प्रीमियर लीग देखेंगे जब तक मैच खत्म होता है, उसके बाद क्रैश।